चास के रामरुद्र हाई स्कूल के ग्राउंड में लोग योगा एवं मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तथा कई बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं। यहाँ लेकिन काफ़ी समस्या है। इस समस्या के बावजूद भी लोग योगा एवं मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि हरेराम मिश्रा ने कहा कि हम लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं तथा कई बार चास नगर निगम को समस्याओं के संबंध में अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ तथा सांसद के द्वारा यहाँ फेवर ब्लॉक लगाने की अनुशंसा की गई थी, वह भी नहीं लगी है, जिसके कारण बरसात में यहाँ पानी जम जाता है तथा काफ़ी परेशानी होती है। अगर जल्द से जल्द समस्या को दूर नहीं किया गया तो हम लोग रांची जाकर उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। इस मौके पर भैया आर्यन ओझा ने कहा कि मोदी जी का आह्वान है कि योग करें, स्वस्थ रहें, जिसे हम लोग अपना रहे हैं। इस मौके पर प्रेम राय ने कहा कि मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन योगा करने के बाद मुझे काफ़ी राहत मिल रही है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। प्रेम जी, आप आ रहे हैं यहाँ पर योगा करने के लिए, क्या लाभ हो रहा है आपको? योग करने से हमारे जीवन में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जब से मैं योग कर रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि केवल वजन ही और नहीं, और बहुत तरह की स्वास्थ्य जो समस्याएं थी वो दूर हुई हैं, और लग रहा है कि अब हम एक नया जीवन जी रहे हैं। हमने विगत 5-6 महीनों में अपना कम से कम 15 किलो वजन भी कम किया है, और अब आनंद का अनुभव होता है। खाना पीना भी कंट्रोल किया। हाँ, आपको कैसा यहाँ लग रहा है, आप बताइए योगा करके? ऐसा है कि योगा करना, योगा के साथ साथ फिटनेस के लिए एक्सरसाइज व्यायाम भी करना, खाने पर कंट्रोल करना, इससे एक फुर्ती आई और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। साथ साथ भोजन वगैरह में भी आदमी बहुत सावधानी बरता कि नहीं साहब हम खाए रहे हैं, टेस्टी है तो इसका मतलब ये नहीं ज़्यादा खा लें। एक लिमिटेशन आया, खाने पीने के मामले में भी सावधानी बरती गई, शरीर फिट हुआ, शुगर वगैरह जो थोड़ा मेरे अंदर शुगर भी था और है, तो थोड़ा बहुत शुगर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रित हो गया, और BP वगैरह तो सब नॉर्मल रहता ही है। और सबसे अच्छी बात है कि मॉर्निंग में सवेरे जग जाने से सारा काम समय पर हो जाता है। मैं आप लोग जो है मोदी जी के जो योग के बारे में बताएं, उसका अनुकरण कर रहे हैं क्या? मोदी जी, स्वामी रामदेव जी, इस देश में जो स्वास्थ्य के प्रति एक चेतना जगी और मोदी जी ने उसको और ज़्यादा उत्साहित किया, रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी ने भी उसको उत्साहित किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, ये सारा चीज़ होने से एक प्रेरणा आया। और ऐसा पहले लगता था कि मैं तो छात्र जीवन से ही योग करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन वो बहुत कम था। अब जब है एक सब लोगों में एक चेतना सी आ गई है कि योग करना चाहिए, एक मोटिवेशन बन गया है, एक लहर सी बन गई है, उत्साह भी होता है। हम लोग यहाँ फील्ड में आते हैं, रामरुद्रा उच्च विद्यालय जोधाड़ी मोड़ चास में, ग्राउंड भी ठीक है, लेकिन इसमें और सुधार होना चाहिए था और शिक्षा विभाग उसमें साथ नहीं दे रहा है। हम लोग चाहते थे कि नगर निगम से यहाँ फुटपाथ बन जाए पैदल चलने के लिए। माननीय सांसद धनबाद श्रीमान पशुपतिनाथ सिंह जी ने अनुशंसा भी किया कि फुटपाथ बना दिया, नगर निगम में प्रपोजल भी दिया, नगर निगम यहाँ लिखा भी, लेकिन शिक्षा विभाग इसको दबा दे रहा है। पता नहीं अगर योग के लिए और पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनता है किसी स्कूल की प्रॉपर्टी को क्या क्षति है, बच्चे भी दौड़ेंगे, बच्चे भी खेलेंगे, तो थोड़ा असुविधा है, लेकिन अब जैसी स्थिति है उसी में जीना है, उसी में करना है। बरसात में दिक्कत होता है, हम लोग लग के कराना भी चाहते हैं कि इसमें हो, लेकिन अब पता नहीं अब सरकार की अपनी क्या सोच है कि भाई जनहित में ऐसे भी सरकार को बना के देना चाहिए, हम टैक्स पेयर हैं, सब लोग टैक्स देता है और कोई सुविधा सरकार नहीं देती है, तो ये भी चीज़ है योग में। ये बाहर की चीज़ मैंने लाया, मजबूरी है, टहलना है, दौड़ना है, ये सब सुविधा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आने वाले पीढ़ियाँ भी और सभी लोग जो घर में देर तक सोते हैं उन्हें भी सवेरे जगना चाहिए, जग करके योग के शरण में आना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए, फिटनेस के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी है, ये होना चाहिए, समाज में एक चेतना जगना चाहिए। योग करके कैसा लग रहा है भैया आपको? हमको योग करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको तो कोलेस्ट्रॉल भी हो गया था, गैस से भी परेशान थे, बहुत सी ऐसा था, तो हम लोग जब हट गए लोग योगा करने लगे, ये 2-3 चीज़ तो ख़त्म हो गई। डॉक्टर भी हमको बोला कि क्या करते हैं मिश्रा जी कि आपका कोलेस्ट्रॉल इतना हल्दे कम हो गया, कहीं हम तो टहलते हैं, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। हमको तो गैस से हम परेशान रहते थे, वो एकदम नॉर्मल था,
मैं आप लोग जो मोदी जी का जो योग का जो मोदी जी का रामदेव बाबा का जो आह्वान उसको मान लें। हाँ, इसमें तो मोदी जी ने संसार में योग को फैलाए, योगी जी ने थी और रामदेव जी ने भी फैलाए, योगा तो था लेकिन ये लोग उजागर किए कि ये करना चाहिए, आने वाला पीढ़ी भी इसे सीखेगा तो 10-15 साल 20 साल आगे तक ये योगा जा सकता है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि एक तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, ये सबसे बड़ा योगा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना क्रियाक्रम करके कम से कम 10 कदम बाहर निकलिए, बाहर निकल के अपना जहाँ टहलना है टहलिए, जरूर टहलिए, 45 मिनट कम से कम आदमी को वॉकिंग करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, परेशानी तो है, परेशानी है कि हम लोग बारिश में टहल नहीं सकते, हम लोग कीचड़ हो जाता है, एक दो आदमी गिर भी गए थे, तो हम लोग माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी से हम लोग लिखवा करके नगर निगम को दिए थे, नगर निगम ने पास कर दिया, स्कूल को दिया, स्कूल ने शिक्षा विभाग को दिया, शिक्षा विभाग आज तक कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग एक बार दो बार जाके शिक्षा विभाग में रांची भी जाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जाकर वहाँ से पास करा के लाने का हम लोग प्रक्रिया रहेगी, बाकी मंत्रालय जाने या शिक्षा विभाग जाने। ये सरकार आपके मैंने ये इस पर ध्यान नहीं है ना? नहीं, सरकार को ध्यान नहीं है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। अगर स्वास्थ्य पर ध्यान रहता तो इसको पार्किंग बना देने से चास में कहीं कुछ है नहीं टहलने के लिए लोगों को, एक यही स्कूल है और ये भी सुरक्षित नहीं रखा गया है कि लोग टहले घूमे, ये तो कम से कम करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये प्रचारित हो और मंत्रालय तक जाए और इस पर मंत्रालय जो है सोच विचार करे कि हमको करना चाहिए।